उस साइड से नाइस साइड से सिर्फ त्रिपाल के साइड से भरी जाएगी तुम्हारी ट्रॉली। तुम दोनों स्वीपिंग पर रहेंगे, रामलाल जी आप इस तरफ रहोगे, अमन तू उस तरफ रहेगा।
मॉइस्चर भी 10.6 है, हर तरीके से ही ओके। और जो इसमें जो फॉरन मैटर है वो भी बहुत कम है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा फॉरन मैटर, वो लोग 1% से बहुत कम। सब कुछ अभी नवाजन क्या ये हमारे राज्य का तो पहला है क्यों भाई, देश में भी है क्या ऐसा कोई? सरकार के माध्यम से पहली बार कहीं हुआ है देश में, प्राइवेट में भले किया हो उसकी हमें जानकारी नहीं है। और ये हमारा पहला केंद्र है जहाँ इस तरह से गेहूं भंडारण की व्यवस्था कायम की है, बैग भी आ गए। लेकिन ये एक अच्छा तजुर्बा है, एक इस नवाचार को हम आगे भी क्या कैसे इसका उपयोग करना चाहेंगे इसके लिए अगले साल और देखें, लेकिन हमारे अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। किसान के गेहूं का एक एक दाना खरीदेंगे। बीच में ये लोगों को असंभव लग रहा था कि कैसे होगी इतनी खरीद, लेकिन हमने नए उपाय खोजे। बारदाने अगर नहीं मिले तो खुले में स्टोरेज करने का फैसला किया, और उसके बाद फिर ये साइलो बैग की कल्पना जब हमारे सामने आई कि अलग अलग बोरों में भरने की जरूरत नहीं है, अगर ये साइलो बैग इस्तेमाल किए जाएं तो बड़ी मात्रा में गेहूं बिना बारदानों के भरा जा सकता है और सुरक्षित रखा जा सकता है। ये बरसात में भी ऐसे पड़े रहें तो गेहूं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और इसलिए इस प्रयोग को हमने किया। मुझे खुशी है कि इसके कारण दोनों चीज़ें, एक तो खुले में हमने खरीद की इसलिए हम गेहूं खरीद पाए, और साइलो बैग के इस्तेमाल से जिस तेज़ी से तुलाई हुई, गति आई, उसके कारण असंभव सा लग रहा काम संभव हुआ है। क्या साइलो बैग प्रदेश में भी अगले वर्ष यूज किए जाएंगे इस तरह से? अब यहाँ कर ही रहे हैं, इसी वर्ष हमने प्रारंभ कर दिया, लेकिन अगले साल